हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। तो चलिए हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग उसे अपने वांगजी को अपने मैंसन लेके आता है, ठीक है। अब वो भूल जाता है कि उसके मैंसन में उसके अलावा भी कोई और रहता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लान वांगजी अपने आँखों को खोल के उठता है और उठकर एक नई जगह पे देखता है खुद को, एक कंफर्टेबल से एक सॉफ्ट से बेड पे देखता है। तो वहाँ पे वो देखकर उसे टच करने लगता है और बोलता है अपने मन में ही, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या कोई स्वर्ग है क्या, कितना खूबसूरत लग रहा है ये रूम, ओ माय गॉड कितना सुंदर है, और ये बेड कितना सॉफ्ट है, ओ माय गॉड मन कर रहा है मैं बाउंस करूँ, मतलब उछलूँ कूदूँ, उसको ऐसा मन कर रहा था। फिर वांगजी जो है ना अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, वो देखता है उसने दूसरे कपड़े मतलब उसने दूसरे क्लोथ को वेयर किया है। तो वांगजी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है अपने मन से ही कि ये कैसे हुआ, मैंने तो कुछ और पहना था, ये मैंने क्या पहना है, ओहो क्या ही क्या। ऐसा कह के वो जब बेड से नीचे अपने पैरों को रखता है तो उसके पैरों को ना कुछ टच करता है। तो वो देखता है जब नीचे, तो वहाँ पे दो स्लीपर थे, तो वांगजी उसे पहन लेता है। पहनने के बाद भाई उसे उतना तो पता है कि मतलब ह्यूमंस की दुनिया में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो उन स्लीपर्स को पहन के वो चला जाता है उस रूम का जो डोर है ना उसे ओपन करके वो बाहर चला जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो पूरे घर को देखना स्टार्ट कर देता है। वांगजी नीचे के ही फ्लोर में उसका रूम था, ठीक है। वांगजी का रूम जो था वो नीचे के ही फ्लोर में था। तो जब रूम से बाहर निकलता है तो उसके सामने ही थोड़ा दूर आगे चलने पर लिविंग रूम आ जाता है, ठीक है। तो वांगजी जो है ना वो चल के लिविंग रूम में आ जाता है और वो पूरे घर को घूम घूम के देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, वाह ये कितना खूबसूरत है, इतना सुंदर, इतना बड़ा घर किसका होगा, मैं किसके घर में हूँ, क्या मैं किडनैप हो गया, ओ नो इंसानी दुनिया में तो लोग एक दूसरे को किडनैप भी कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैसे मांगते हैं, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मोती है, अब मैं कैसे दूंगा इन्हें पैसा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, ऐसा वांगजी सोचने लगता है। और वो सोफे पर बैठ जाता है। जैसे ही वो सोफे पे बैठता है तो वो बाउंस होता है। फिर वो देखता है कि ये जो सोफ़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके पिलोस, तो वो ना मतलब उछलने लगता है और बोलने लगता है, वाह वाह ये कितना सॉफ्ट है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा बोल के मतलब हंसने लगता है। इस तरफ मेट्स सारी की सारी मेट्स जो है ना वो मुँह फाड़ के आँखें खोल के एकदम वांगजी को देख रहे थे और वो अपने में ही बात कर रहे थे। एक मेट बोलती है, ये कर क्या रहा है, तो दूसरी मेट बोलती है, आई थिंक इसे ये सोफ़ा पसंद आ गया, क्या ये इसे पसंद आ गया क्या, तभी दूसरी मेट बोलती है, लग तो रहा है, तभी तो ये इतना उछल रहा है, वैसे अगर हमें भी अगर कभी मतलब हम भी कभी ऐसे सॉफ्ट से सोफे पे बैठेंगे तो हम भी तो ऐसा ही रिएक्ट करेंगे ना, जाने दो हो सके ये बच्चा होगा इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहा होगा, छोड़ जान दो, ऐसा बोल के वो लोग वापस अपना काम करने लगते हैं। तभी वांगजी जो है ना वांगजी के पास एक मेड आती है और वो बोलती है कि सर आपको कुछ चाहिए क्या। जब वांगजी उसकी आवाज़ सुनता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर वो उस मेड की तरफ देखने लगता है, उस मेड की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ क्या बोला। तभी जो वो लड़की है मतलब वो जो मेड रहती है वो बोलती है कि सर आपको कुछ चाहिए, कुछ पानी या फिर कुछ। तभी जो वांगजी रहता है वो बोलता है, हाँ मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। तो वांगजी के पास वो मेड हाँ करती है बात सुन के, उसके बाद वो जाती है एक गिलास में पानी लेके आती है और एक जग में भी पानी लेके आती है। तो वांगजी जो है ना वो गिलास का पानी तुरंत पूरा 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 पी जाता है। फिर वो जग में देखता है, फिर वो जग को उठाता है और जग से पूरा पानी पी लेता है। फिर वो बोलता है कि और पानी लाओ, फिर क्या वो वांगजी मांगते जाता है, वो मेट पानी लाते जाती है, वांगजी मांगता जाता है, वो मेट पानी लाते जाती है। ऊपर से विंग ये नज़ारा देख रहा था।
अभी हम विंग के तरफ का सीन देखते हैं, ठीक है। विंग जब सोकर उठा था तो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट वो नॉर्मल था। फिर वो उठता है, फ्रेश होता है, अपने रूम में ही वो वर्कआउट करता है, फिर वो नहा धोवा के रेडी होके अपने रूम से बाहर निकलता है। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसके रूम में रूम से ही वो ऊपर का लिविंग मतलब नीचे का लिविंग रूम का सीन देखता है। लिविंग रूम में किस तरीके से वांग जी सोफे पे उछल रहा था, तो वो देखता है कि किस तरीके से वांग जी ने फिर मतलब वांग जी के पास वो मेड गई, फिर वो मेड उससे कुछ बोली तो वांग जी ने हाँ कहा, फिर उसके बाद वो मेड जैसे मतलब पानी लाते गई, वांग जी पीता गया, वो लाते गई और वांग जी पीता गया। ये देख के विंग जो है ना शॉक हो जाता है, वो घूर घूर के देखता है उसे, और फिर उसको याद आता है कि किस तरीके से वांग जी वहाँ पे एकदम मतलब होश एकदम लेटा हुआ था, एकदम वो कितना ज़्यादा बीमार था और उसे लेकर के आया था यहाँ पे, मतलब समथिंग सब चीज़ सोचता है। उसके बाद वो एक शाय करता है, फिर वो नीचे आता है और फिर बोलता है तुम इतना पानी पी रहे हो, जा कहाँ रहा है। तो वांग जी की नज़र जाती है विंग पे, विंग को देखते ही उसकी आँखें बड़ी बड़ी, फिर वो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करता है, तभी उसको विंग के बॉडी में उसका पर्ल दिखता है और फिर बोलता है एनर्जी, मेरा एनर्जी, मेरा पावर, ऐसा बोल के वो तुरंत जाता है और फटाफट विंग को हक कर लेता है। और सारी मेड सॉफ्ट, ये क्या हो गया भाई, ये हुआ क्या, अभी अभी मैंने देखा क्या, मतलब वो सारी मेड सॉफ्ट पे सॉफ्ट हो गई। और फिर उसके बाद वांग जी जो है ना उसको एकदम टाइटली विंग को हक कर लेता है एकदम बहुत ज़ोर से, इस तरह विंग जो कि एकदम पूरा सॉफ्ट, फिर वो अपने होश में आता है, फिर वो वांग जी को हटाता है अपने पास से और फिर बोलता है बिहेव। तो वांग जी बोलता है हाँ, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो विंग जो है ना अपने सर पे हाथ मार लेता है, फिर वो बोलता है ठीक से खड़े रहो। तो वांग जी बोलता है लेकिन मुझे तुम्हें हक करना था, मुझे एनर्जी चाहिए तुमसे। ये सुनते ही विंग का कान लाल, वो अपने मन में सोचता है क्या ये लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, क्या ये मेरे ऊपर चांस मार रहा है, ये ऐसे फ्लर्टी लाइंस को बोल के वो करना क्या चाहता है, ऐसा सोच रहा था विंग। और फिर विंग एक साय करता है, फिर बोलता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ज़्यादा यहाँ पे परेशानी मत क्रिएट करना। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है अरे लेकिन मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे क्या। तो विंग बोलता है कि नहीं, मैं घर नहीं रह सकता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो इसीलिए मुझे जाना होगा, ऐसा बोल के जाने लगता है। तभी वांग जी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगा। तो विंग बोलता है तुम यहीं रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वांग जी बोलता है अरे तुम रहोगे मेरे पास तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो वांग फिर से विंग उसे घूर घूर के देखने लगता है और सारी मेड आपस में बात करने लगती कितना बेशरम है, मुंह पर ही फ्लर्ट कर रहा है, सामने ही फ्लर्ट कर रहा है, ये भी नहीं देख रहे कि हम लोग भी यहाँ पे हैं। वो सभी ना आपस में ही बातें करने लगते हैं। विंग जो कि एकदम अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को मतलब अपने फोरहेड को सहलाते हुए बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है हाँ ये हुई ना बात, चलो आओ बैठो मेरे साथ और मैं तुम्हें बताता हूँ अपने बारे में। फिर विंग जो है ना वो बोलता है मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो वांग जी बोलते कितने रूढ़ हो तुम, मेरा नाम लान वांग जी है, प्रिंस लान वांग जी। ये सुनते ही विंग सॉक्ट, प्रिंस हाँ व्हाट यू मीन प्रिंस। तो वांग जी बोलता है प्रिंस, अरे किंग का बेटा प्रिंस होता है ना, तो मैं प्रिंस हूँ। तो विंग जो है ना वो बोलता है वॉट एवर, हाँ तुम घर में रहोगे, समझ में आया कि नहीं लान वांग जी, तो तुम घर में ही रहो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तो वांग जी बोलता है यार तुम मेरी एनर्जी मुझसे दूर जा रही है, नहीं मुझे तुम्हारे पास रहना है, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मेरी एनर्जी हो। तो वांग जी विंग बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हाँ मुझे छोड़ो मुझे जाने दो। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था, बट विंग जो है ना उसका हाथ छुड़ाता है, वो चला जाता है ऑफिस। और इस तरफ वांग जी जो कि मुंह फुला के बैठ जाता है, फिर उसको मेड जो है ना उसके रूम में लेके जाती है और बोलते हैं यहाँ पे रेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद वांग जी जो है ना अपने रूम को अच्छे से देखता है, फिर वहाँ पे देखते हैं एक और रूम में
डोर है वहाँ पे लगा हुआ, तो उस डोर को ओपन करते तो वो बाथरूम बता है। वो देखता है कि बाथ टब में पानी भरा हुआ है। ये देखते ही उसका एकदम मतलब आँखें जो है ना चमक जाती है। फिर वो फटाफट अपनी सारे कपड़ों को खोल के उस बाथ टब में बैठ जाता है। अब वो थोड़ी देर बाद ही अपने मरमेड के रूप में आ जाता है। उसके क्यूट एकदम खूबसूरत सा उसका चेहरा जिसपे थोड़ा थोड़ा मेकअप आ गया था, और उसके कान जो कि थोड़े लॉन्ग हो चुके थे, और साथ में उसके हेयर वाइट एकदम प्योर वाइट, और उसका हाथ उसके नेल्स काफ़ी लॉन्ग हो गए थे, और उसकी टेल जो कि ब्लू ओशन कलर में था काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे उसके टेल्स, और वो भी बाहर आ गए थे। वांगची अपने टेल्स को देखते हुए कहते हैं, कितने खूबसूरत मेरे पाँव हैं, कितना ज़्यादा सुंदर है, वाओ मुझ जैसा मरमेड कोई नहीं, ऐसा करके खुद भी प्राउड फील कर रहा था। और अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विवुशियान का सीन। विवुशियान जो कि अभी अपने ऑफिस में एंट्री कर रहा है, और उसका फेस एकदम पोकर है, एकदम पोकर फेस लेकर के वो आता है ऑफिस में एंट्री करता है। और वो जैसे ही एंट्री करता है ना, उसका जो जितने भी असिस्टेंट, उसका PM, उसका मतलब सेक्रेटरी, सब के सब उसके पास आ जाते हैं और उसके सारे शेड्यूल्स को बताना स्टार्ट कर देते हैं। वी उनकी सारी बातों को सुनते हुए अपने केबिन में जाता है, अपने चेयर पे बैठता है। उसके बाद वो पूछता है कि मीटिंग कौन सी है सबसे पहले, तो वो बताते हैं कि वैन कॉरपोरेशन से फिर से मीटिंग का रिक्वेस्ट आया है। तो विंग बोलता है, अच्छा फिर से आया है, ओके ठीक है, चलो इस बार देख ही लेते हैं क्या उनका प्रोजेक्ट है, ऐसा बोल के हाँ मैं सही लाता है। उसके बाद वो बोल देता है कि ठीक है आज शाम का रख लो ये मीटिंग, तो वो भी ओके बोल देते हैं। उसके बाद बाकी जितने भी मीटिंग्स थे उन सभी को अटेंड करता है, कुछ फाइल्स चेक करता है, कुछ एम्प्लॉयज़ को डांटता है, कुछ लोग को बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब वहाँ पे मैनेज करता है। उसके बाद जैसे ही शाम होता है वो एक होटल के लिए निकल जाता है। उस होटल में पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो जो मतलब एक बड़ा सा मतलब प्राइवेट कैबिन था, प्राइवेट रूम, हाँ वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे वेन रोहान साथ में उसके दो बेटे वेंचा और वेंसू वहाँ पे आए हुए हैं। तो विंग जो है ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है, फिर वो दोनों ही मतलब हैंडशेक करते हैं वो सभी। फिर उसके बाद जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है आप मुझे बताइए आपका प्रोजेक्ट क्या है। फिर उसके बाद वेन रोहान बताता है कि ये देखिए ये एक ज़मीन है जो कि काफ़ी अच्छी है, मैं ये ज़मीन मैं सोच रहा था यहाँ पे एक अच्छा से एक 5-star होटल बनाएंगे, नहीं 7-star होटल बनाएंगे, और इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो विंग जो है ना वो बोल देता है कि पहली बात ये जो ज़मीन जो है ना ये आप जो देख रहे हैं ये पब्लिक एरिया है, हम पब्लिक एरिया को यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक अपना वॉक करते हैं और साथ में अपना डेली रूटीन्स जो भी करना हो वो करते हैं, ये पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरिया को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वेन रोहन बोलते हैं ये जो ज़मीन है ये मेरे मतलब जिन कॉरपोरेशन के अंडर में आता है और मैंने उनसे बात की है, वो उन्होंने राज़ी कर लिया है, तो इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट फील होगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मिस्टर वेन। तो विंग बोलता है कि देखिए मिस्टर वेन मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, ये आपके आइडियाज़ हैं अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है भले ही जिन जिन कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, बट फिर भी ये पब्लिक एरिया है, हम पब्लिक एरिया को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इल्लीगल है। तो वो बोलते हैं कि देखिए हम यहाँ पे एक अच्छा सा 5-star 7-star होटल खोलेंगे, वहाँ पर हम आराम से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे भी आए दिन टूरिस्ट आते रहते हैं, ये सब होता रहता है कांड, तो इसीलिए हमें खोलना चाहिए। तो विंग जो है ना एक शाय करता है, फिर बोलता है आपके पास कोई और आइडिया नहीं है, तो वेन रोहान जो है ना चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि एक और आइडिया है कि ये देखिए ये जो एक प्रोजेक्ट है इसमें ऐसा ऐसा चीज़ यूज़ करेंगे तो ये प्रोजेक्ट अधिक मात्रा में हमारा बिकाएगा,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीम बोलेगा कि इससे पब्लिक को नुकसान होगा, अगर हम इन इन चीज़ों को, इन केमिकल्स को यूज़ करेंगे तो इससे जो पब्लिक हैं उनके फेस पे अलग अलग तरीके का रैसेस या फिर और भी एलर्जी का सिम्टम्स दिखा जा सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। वेन रोहन, मिस्टर वेन रोहन, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, आप सोच भी सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया है। ये सब सुन के ना वेन रोहन एकदम, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ दिखाता नहीं है। फिर वो अपना नीचे मुंडी, मतलब वो, मतलब अपने हाथों को ना मुट्ठी बना लेता है। फिर वो बोलता है, लेकिन मिस्टर वेव ये काफ़ी अच्छा डील रहेगा। तो विंग जो है ना वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है, मुझे ये मंजूर नहीं, आपके पास अगर कोई और अच्छा आइडिया है तो मुझे बताइए वरना मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के उनसे मतलब अलविदा लेता है। फिर वो चला जाता है। इस तरह वेंचर बोलता है, घमंडी कहीं का, ये खुद को समझता क्या है? हाँ, ये एक बड़े कंपनी का ओनर है, यहाँ का नंबर वन बिजनेसमैन है, इसका मतलब कुछ भी करेगा? इतना अच्छा प्रोजेक्ट को इसने इनकार कर दिया। तभी वेन रोहन बोलते हैं, वेंचाओ शांत हो जाओ। तो वेंचाओ बोलता है, डैड लेकिन इसने, तो वेन रोहन बोलते हैं, वेंचाओ शांत हो जाओ, कुछ सोचते हैं, चलो इसकी कमजोरी को ढूंढते हैं, कुछ तो मिलेगा जिसका हम फायदा उठा सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो वेंचाओ और वेंसू भी स्माइल करते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वी मैंसन का, जी हाँ, वी के घर का सीन। वांग जी जो कि पानी से निकल चुका था और वो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम पहन के पूरे घर में घूम रहा था, पूरे के पूरे घर को देख रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे कपड़े भी पहन लेना चाहिए, लेकिन वो कपड़ा नहीं पहन के बल्कि वो पूरे घर को देख रहा था। पूरे घर को देखता है, उसके बाद खाना खाता है, फिर पूरे घर को देखता है, टीवी देखता है, मस्ती करता है, उसी बाथरूम में ही, वो बाथरूम पहन के ही वो पूरा जगह देख लेता है। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, वो इस वक्त टीवी देख रहा था। तभी विंग उस घर में एंट्री करता है। विंग जैसे ही आता है वो देखता है टीवी ओपन है और उसके सामने लान वांग जी बैठा हुआ, उसका दोनों पैर सामने की टेबल पे रखा हुआ है, उसका बाथरूम अलग अलग है, मतलब उसकी जो जांघ से लेके पूरा पैर, मतलब उसकी पूरी लंबी गोरी टांगे दिख रही हैं, और उसका जो ऊपर का एरिया है, चेस्ट के एरिया है, वहाँ से भी थोड़ा सा बाथरूम लूज है, तो मतलब पूरा उसका चेस्ट ट्विस्ट दिख रहा है, मतलब उसका ज़्यादा चेस्ट नहीं दिख रहा है बट उसका मिल्की वाइट सा एकदम बदन, गोरा बदन उसका दिख रहा है। तो विंग जो है ना वो एक ही पहले गल्प करता है, उसके बाद वो बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी वांग जी जिसके हाथ में पॉपकॉर्न था वो एकदम हड़बड़ा जाता है, उसके हाथ से पूरा पॉपकॉर्न गिर जाता है। तभी वांग जी देखता है विंग को, फिर बोलता है, क्या है? हाँ, क्या धीरे नहीं बोल सकते थे? मुझे डरा दिया। तो विंग बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो वांग जी बोलता है कि क्या कर रहा हूँ क्या? हाँ, मैं पॉपकॉर्न खाते हुए मैं मूवी देख रहा था और आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा बोल के वो मुँह टेढ़ा कर लेता है। फिर उसके बाद विंग बोलता है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तभी वांग जी बोलता है, क्या पहने तो है, कितना अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, खुला खुला सा अच्छा फील हो रहा है, रहने दो मैं और कुछ नहीं पहनूंगा। तो वांग जी जो है ना, मतलब वीन जो है ना मेट की तरफ देखता है, मेट का पूरा चेहरा लाल था एकदम, वो अपने काम पे ही फोकस कर रही थी, वो इधर उधर कहीं नहीं देख रही थी, खास करके वांग जी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। वीन जो कि अपना सर सहलाने लगता है, उसके पीछे से मतलब सुयंग निकलता है और फिर बोलता है, वाओ कितना खूबसूरत मैन, मैंने पहली बार देखा, ऐसा बोल के वो फटाफट जाता है और जो वांग जी है ना उसके बगल में बैठ जाता है और बोलता है, हाय माय नेम इज़ सुयांग। ये सुनते ही वांग जी जो है ना सुयांग को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखता है, फिर उसके बाद बोलता है, हेलो लान वांग जी, प्रिंस लान वांग जी। ये सुनते ही सुयांग सॉक्ट,
फिर वो विंग की तरफ, विंग की तरफ देखता है और विंग बोलता है प्रिंस लानवांग जी, ऐसा बोल के मुंह टेढ़ा करता है वो और वो अपने रूम में चला जाता है। और वांग जी बोलते हैं इसे क्या हुआ, ए मेरा एनर्जी रुको, ए रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल के फटाफट वांग जी अपने सीट से उठता है और फटाफट दौड़ के विंग के पीछे जाने लगता है। और सुयांग पूरा मुंह खोल के बोलता है मेरा एनर्जी, विंग इसका एनर्जी, ये क्या हो रहा है भाई, मैं एक दो दिन इस जगह से अलग क्या हो गया, मतलब मैं इस घर से चला क्या गया भाई, यहाँ पे क्या क्या हो गया। तभी वो सारी मेट्स बताती है कि कैसे वांग जी आया, कैसे विंग लेके आया, मतलब सब चीज़ अभी तक उसके सामने जो जो हुआ है सारी मेट्स बता देती हैं। उसके बाद सुयांग होते हैं भाई हमारे ना रहने पे वी वुशियान मिस्टर वे वुशियान ये सब कांड करते हैं, मुझे तो आज पता चला, विंग मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसे बोल के वो नाम में सर हिला जाता। तभी वहाँ पे जैंग चैन आता है और बोलता है क्या किससे क्या उम्मीद नहीं थी। तभी जैंग चैन को पकड़ता है सुयांग और बैठाता है अपने पास और फिर सारी बात बता देता है। तभी जैंग चैन बोलता है क्या मुझे विश्वास नहीं, चलो हटो मुझे देखने दो, ऐसे बोल के वो दोनों जाते हैं रूम में, विंग के रूम में, और फड़ाक से नहीं एकदम दरवाज़ा खोल देते हैं। अब वो लोग जो सीन देखते हैं ना भाई, उनका मुँह खुल्ला का खुल्ला, आँखें एकदम बड़ी की बड़ी, और वो दोनों ही बोलते ये क्या हो रहा है। अब हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं, वहाँ पे वी जो कि बेड पे लेटा हुआ था और उसके ऊपर वांग जी बैठा हुआ था, और विंग का पूरा फेस एकदम लाल था क्योंकि वांग जी ने अंदर अंडर पैंट्स भी नहीं पहने हुए थे, कुछ नहीं पहना था, और वांग जी का पूरी बॉडी उसे फील हो रहा था, और विंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। और वांग जी जो कि मतलब विंग के ऊपर बैठ कर उसको हक किया हुआ था, ठीक है, बहुत टाइटली पकड़ के हक किया हुआ था, विंग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि अनकंफर्टेबल हो रहा था ना, मतलब उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगी थी, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो वांग जी को बोल भी रहा था कि हट जाए, लेकिन वो नहीं हट रहा था। एक्चुअली हम देखते हैं ये सिचुएशन आया कैसे, वांग जी जो कि दौड़ के विंग के रूम में गया था, वो देखता है कि विंग जो है ना बैठा हुआ है बेड पे और वो अपने सर को चला रहा है। तभी वांग जी जो है ना फटाफट उसके पास आता और बोलते हैं hey, मेरा एनर्जी, मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। तो विंग बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहा, मुझसे दूर जाओ, मुझे अभी तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तभी वांग जी बोलता है मुझे एनर्जी चाहिए मेरा, लेकिन विंग जो है ना वो बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, अभी मुझे तुमसे अभी बात नहीं करना, ऐसे बोल के वो जाने लगता है बाथरूम में। लेकिन वांग जी जो कि उसका हाथ पकड़ता और उसे बेड पे फेंक देता है और विंग बेड पे पूरी तरीके से लेट जाता है। और वांग जी फटाक से उसके ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद उसको एकदम मतलब घूर घूर के देखने लगता है। तभी वो उसके नेक की तरफ अपना फेस लेके जाता है और उसे स्मेल करता है, और विंग की स्मेल उसे इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो स्निफ करता है वो, जिससे विंग एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम स्टैचू की तरफ। और वांग जी जो कि अब पूरी तरीके से अपने बॉडी को ना एकदम रफ करने लगा था, मतलब वो जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा था लेकिन उससे हो रहा था ज़रूर, और ऊपर से वो अपने एनर्जी को भी इनहील कर रहा था। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं विंग का क्या हालत हुआ होगा, ठीक है, तो मुझे कुछ बताना नहीं है। अब यहीं पे जो मतलब सुयांग और जैंग चैन है उन्होंने डोर को ओपन कर दिया था और यही सिचुएशन था। अभी विंग जो कि बहुत मुश्किल से बोलते हैं मेरे ऊपर से उठो, तो वांग जी बोलता है हाँ क्या बोला। तभी सुयांग फटाफट आता है उसके पास क्योंकि वो समझ गया था कि वांग जी ने अंदर कुछ नहीं पहना है, क्योंकि उसका जो मतलब थाई से ऊपर का मतलब जो कमर का एरिया वो थोड़ा सा उठा हुआ था कपड़ा, तो जिससे कहीं से दिख गया था, तो मतलब वो समझ गया था कि उसने कुछ नहीं पहना है और उसका क्या हालत हुआ होगा विंग का। तो वो ना मतलब फटाफट वांग जी को हटा देता है विंग के ऊपर से, और विंग जो कि गहरी सांस छोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस छोड़ता है, और फिर बोलता है अपने मन में ओह माय गॉड आज मैं बच गया, मेरी जान बच गई, वो ऐसा सोच रहा था। तभी वो उठता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती,
तभी वांग जी बोलता है, मैं तो अपनी एनर्जी ले रहा था। लेकिन विंग उसके ऊपर चिल्ला देता है, बहुत डांटता है उसको, बहुत डांटता है, वो बोलता है तुम बेशरम हो, तुम्हें समझ नहीं आती क्या, तुम्हें दूर रहना चाहिए, तुम कपड़े बिना कपड़े पहने हुए ही तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उसे बहुत बोलता है। तो वांग जी जो है ना, उसको रोना आ रहा था लेकिन वो रोता नहीं है। ऑफकोर्स रोता है, लेकिन मतलब वो वैसा नहीं रोता जैसे कि हम लोग को थोड़ा सा भी डांट पड़ जाता है तो दिल में एकदम चोट टाइप लगता है और फिर हमारे आँख से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन वो जानता है कि वो आंसू को नहीं गिरा सकता है, वो आंसू गिरा ही नहीं सकता है जब तक ले उसके हार्ट को ना बहुत बहुत बुरी तरीके से चोट ना लगे। मतलब वो होता है ना, किसी के बातों से हम लोग को तो तुरंत आराम से चोट लग जाता है, लेकिन उसको रियल वाला जो चोट लगेगा ना किसी के हर्ट होने से या फिर मतलब कुछ बड़ी कांड हो जाने पे, तब उसके आँख से आंसू निकलेगा, ऐसा नहीं निकल सकता। तो वांजी जो है ना वो एकदम रोनू सा एकदम फेस बना लिया था, तो विंग एकदम चुप हो जाता है। फिर जैंग चैन भी चुप करने के लिए बोलता है कि मतलब विंग चुप हो जाओ। तो वांजी को ना जैंग चैन वहाँ से लेकर के जाता है और श्रीयांग भी। फिर उसके बाद विंग जो है ना फ्रेश फ्रेश होता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि वांग जी अभी ड्रेसअप होके बैठा हुआ है लिविंग रूम में और वो एकदम बहुत उदास लग रहा है। तो विंग पूछता है कि क्या हुआ, तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर विंग बोलता है क्या सच में तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तो वांग जी जो है ना उसे घूर के देखने लगता है और विंग जो है ना एक स्माइल करता है, बोलता है वेरी गुड, करना भी मत वरना उड़ा दूंगा, ऐसा बोल के ना वो डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। और इस तरफ वांग जी, सुयांग और जियांग चैन पूरा सॉक्ट हो जाते हैं, ये क्या बोला विंग ने। वांग जी बोलता है इसने अभी मुझे धमकी दी। तो जियांग चैन और सुयांग दोनों ने ही अपने सर को ना हाँ में हिलाया। फिर वांग जी बोलते हैं ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, हाँ तुम दोनों ऐसे कैसे अपने गर्दन को हिला सकते हो, हाँ मैं किसी के धमकी से डरने वाला थोड़ा ना हूँ, बनाया मुझे डराने वाला इंसान कहीं का। जब ये सुनता है ना सुयांग, वो बोलता है तुम क्या हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम क्या कोई प्रेतात्मा हो क्या? तो वांग जी जो है ना वो बोलता है नहीं मैं एक प्रिंस हूँ, प्रिंस लान वांग जी, ऐसा बोलता है ना। तो सुयांग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो बोलता है प्रिंस कहाँ के प्रिंस हो तुम? तभी वो बोलता है वांग जी मैं अपने अपने लैंड किंगडम का प्रिंस हूँ। ये सुनते ही जो सुयांग है ना वो और ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है क्या लैंड किंगडम, ये कहाँ का है, हाँ कौन सा किंगडम है ये, मुझे तो आज तक नाम ही नहीं पता चला। क्यों जियांग चैन, तुमने कभी नाम सुना है लैंड किंगडम का? तो जियांग चैन बोलता है नहीं मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई किंगडम का नाम। तो वांग जी जो है ना बोलता है हाँ तुम लोग सुनोगे भी नहीं, ऐसा बोल के वो मुँह टेढ़ा करता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। इस तरफ सुयांग और जियांग चैन एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं और बोलते हैं इसके कहने का मतलब क्या था। फिर ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। ओके तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा है, ठीक है। एंड हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना को पूरी करें और साथ में मेरी भी, मेरे ऊपर भी रहम कर देना गणेश जी, दुआ कर लेना ठीक है आप लोग कि मेरे ऊपर भी रहम कर ले गणेश जी। एनीवेज आज का पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।